हाय गाइस, दिस इज़ गरिमा एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने काले पैरों को सन टैन को कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपने पैरों को कैसे सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि सुंदर पैरों से ही आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बची हुई चाय की पत्ती का, जो चाय बनाने के बाद बच जाती है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ताकि इसमें दूध और चीनी के जो भी कण हो वो साफ़ हो जाएं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चाय की पत्ती का यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड की है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नारियल का तेल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कॉफ़ी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमारा ये स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। इस स्क्रब की हेल्प से हम अपने पैरों को अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। हल्के हाथों से रब करते हुए स्क्रब करेंगे, उंगलियों के बीच में, एड़ी के ऊपर भी अच्छे से स्क्रब कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो टैन होता है वो हमारे पैरों पर, उंगलियों पर हो जाता है। क्योंकि अक्सर महिलाएं जो होती हैं वो गर्मियों में सैंडल्स और स्लीपर्स ही ज़्यादा पहनना प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनसे उन्हें आराम मिलता है और पहनने में भी कंफर्टेबल रहती हैं। इसलिए अक्सर सैंडल्स और स्लीपर्स में हमारी फिंगर्स ओपन रहती हैं, तो वही ज़्यादा टैन होती हैं। इसलिए हमें फिंगर्स पर ज़्यादा अच्छे से रब करना चाहिए, हल्के हाथों से ही रब करना है। वैसे तो चाय की पत्ती का इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग इसका यूज़ पीस कर भी करते हैं, लेकिन कॉफ़ी पाउडर मिक्स करने के बाद इसे हम स्क्रब के रूप में ही यूज़ करेंगे। तो कॉफ़ी पाउडर जो होता है वो हमारी स्किन को लाइटन करता है, और जो कोकोनट ऑयल होता है ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो इसलिए दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इन्ग्रीडियंट हैं जो कि मैंने इस स्क्रब को बनाने में यूज़ किया है। 1 वीक तक ये स्क्रब यूज़ करने के बाद आपको अपनी पैरों की स्किन में खुद ब खुद आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपके पैर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखेंगे और आपकी पैरों में जो टैन होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। अब आप अपने पैरों को वॉश कर लीजिए और इसे क्लीन टॉवल से ड्राई कर लीजिए। आपके पैर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक